पे देख के बता सकते हैं, सेंटर्ड है, अच्छा खासा मेटल साफ साफ दिखाई देता है। और यहीं आप इनको देखेंगे तो ये जेनरिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक पैड्स हैं और ये अपने सिंटर्ड पैड्स हैं। और इसमें है टू पिस्टन कैलिपर जो कि NS200, पल्सर 220, पल्सर 150 इनमें चलता है, वो भी वाइब्रेगा नहीं है। देखो ऐसा है, स्पॉन्सरशिप तो क्यों ही देगा कोई हमें, रियली हम इस पर अभी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें नहीं आती ढंग से हैंड ब्रेक की आदत है। हाँ ABS ट्रिगर हो जा रहा है, मैं चाहूँगा बस कि हाँ कर लो अपग्रेड पैड्स का क्योंकि यार डिफरेंस है काफ़ी ब्रेकिंग में। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमने ले ली थी NS400, तो भाई देखो बाइक तो हमने ले ली, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनकी बाइक ने ले ली, मतलब ये है कि उसकी जो ब्रेकिंग पावर है वो काफ़ी नहीं लेकिन अच्छी खासी लो है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, मीडियम सा है, लेकिन 40 BHP के साथ मुझे नहीं लगता कि वो सफिशेंट है। सो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इसका इलाज कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर ढूंढूंगा। प्रॉब्लम क्या है पहले ये जानते हैं कि प्रॉब्लम क्यों है, क्यों ब्रेकिंग लो है। सो गाइस देखो, जैसा कि हम जानते हैं NS400 आ रही है इतने पैसे में जितने में 150 cc की बाइक आ जाए, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो उसमें बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं मतलब कि बहुत सारी जगहों पर कॉस्ट कटिंग करके सस्ते पार्ट्स लगा दिए गए, टायर्स ले लो, ब्रेक्स ले लो, तो जो जितनी भी हमारी 400 cc कैटेगरी बाइक्स आती है ना सभी में 4 पिस्टन कैलिपर होता है और इसमें है 2 पिस्टन कैलिपर जो कि NS200, पल्सर 220, पल्सर 150 इनमें चलता है, वो भी वाइब्रेगा नहीं है, वो कंपनी चेंज हो चुकी है तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, वैसे मैं मानता नहीं कि पड़ सकता है लेकिन लोग कह रहे हैं चलो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला ली थोड़ी सी। अब बात यह है कि अगर हम इस बाइक की बात करें NS400Z की, तो इसकी ब्रेकिंग पावर लो क्यों है, चलो देखते हैं कि लो और हाई क्यों होती है ब्रेकिंग पावर। सो बात करते हैं उन कंपोनेंट्स की जिस पे ब्रेक चल रहा है। सबसे पहली चीज़ हो गई हमारी डिस्क पैड जो कि बहुत ही नॉर्मल वाले लगा रखे हैं जो 300-400 रुपये के आ जाते हैं, जबकि अगर दूसरी बाइक्स की बात करें लाइक KTM या एप्रिलिया या और भी एप्रिलिया तो थोड़ी ज़्यादा होगी वैसे, बट स्टिल 400 cc कैटेगरी 40 BHP जिनमें आ रही है उनमें जो ब्रेक पैड डलते हैं वो सिंटर डलते हैं एंड उनकी अच्छी खासी प्राइस होती है, जैसे 2400-3000 इतने तक के आते हैं कंपनी में भी जब सर्विस होती है। लेकिन वहीं बजाज चाहता है हम बाइक सस्ती भी दें और सर्विस भी सस्ती करके दें, क्योंकि भाई इंडियन मार्केट ऐसा है, उन्हें तो चाहिए सस्ता माल, चाहे मर रहे हैं लोग कोई बात नहीं, घुस जा रही है बाइक क्योंकि नहीं रुक रही, कैसे रुकेगी जब ब्रेक ही नहीं है, ठीक है। पहला हो गया डिस्पैड, सेकंडली हो गया कैलिपर जिसकी मैंने अभी बात करी, एक्सियल माउंटेड है 2 पिस्टन कैलिपर जबकि रेडियल होना चाहिए, जबकि 4 पिस्टन कैलिपर होना चाहिए रेडियल माउंटेड बट वो नहीं है। बाकी चीज़ें आ जाती हैं, जो हमारा ऊपर पंप होता है कोई दिक्कत नहीं उसकी, सेम है, एंड जो हमारा फ्लूड पाइप होता है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, स्टील ब्रेस वाला है कोई, वो मोटे वाला नहीं है जिसमें प्रेशर थोड़ा सा ही हो वो फूल जाता है हल्का प्रेशर बढ़ने पे, तो वो भी नहीं है। तो देखो अब इसमें हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, या तो हम ऐसा करें कि इसमें रेडियल माउंट लगाएं कैलिपर, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक हम शॉकर चेंज ना करें, और अगर हमने शॉकर चेंज किया तो एक्सल मतलब कि अगर शॉकर चेंज करेंगे तो हमें शायद KTM का हम असेंबली उठाएंगे माउंट, ठीक है कैलिपर, अब KTM का माउंट उठाएंगे तो उसकी माउंटिंग जहां है शॉकर में वो इस शॉकर में नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएंगे तो हमें शॉकर चेंज करना पड़ेगा, शॉकर चेंज करना पड़ेगा तो एक्सल भी शायद चेंज करना पड़ेगा, और एक्सल चेंज करना पड़ेगा तो व्हील भी चेंज करना पड़ेगा, सो बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। सेकेंडरी ऑप्शन ऐसा भी आता है कि आफ्टर मार्केट एसेसरीज में कुछ चीज़ें आती हैं, रेडियल कैलिपर आ जाते हैं 4 पिस्टन वाले, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन बात यह है कि उसको माउंट एग्जैक्ट ऐसे नहीं हो पाएगा, उसके लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई देखो ब्रेकिंग तो इम्प्रूव करनी है, ऐसा ना हो बाइक हमारी भी ले ले, क्योंकि हम तो भाई चलाते हैं अच्छा खासा तेज एंड सेकेंडरी हम स्टॉप भी मज़ेदार नहीं कर पा रहे हैं उस पर भी, एंड तो हमने क्या किया है, थोड़ा सा तुम्हारे भाई ने खर्चा कर दिया है तो थोड़ा सा तुम भी सपोर्ट कर दो वीडियो को। ये देख रहे हैं आप, ये है भाई क्रैंक 1 के डिस्क पैड जो कि किस किस बाइक में लग सकते हैं, आओ देखो तुम्हें पता चलेगा कितना खर्चा कर दिया होगा, गैस करना फिर मैं बताऊंगा। भाई ये लग जाएंगे हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750, स्ट्रीट रॉड, डोमिनार, पल्सर 220, स्पीड मास्टर, बैंक स्पीड मास्टर क्या है बे मास्टर छोड़ो, स्ट्रीट स्क्रैम्बलर, टाइगर 800, बॉबर, डुकाटी में मल्टी स्टार्ट 1200 RS, उन सब में ये लग सकते हैं देख लो तुम, लेकिन सच्चाई में बता रहा हूँ भी, रॉयल इनफील्ड में भी क्लासिक 500, थंडरबर्ड, हिमालयन, तो देखो जो ये लिखा हुआ है ना सब कुछ ये लग जाएंगे उनमें, लेकिन मैं नहीं कह सकता इन ब्रेक पैड की उनमें परफॉर्मेंस क्या है, वो सुपर CC मतलब सुपर बाइक्स की कैटेगरी की आ रही हैं, बट ये जो है बात यहाँ शेप की हो रही है, ये वो वाले पैड हैं जो पल्सर 220 के होते हैं, पल्सर NS के होते हैं, RN5 के फ्रंट होते हैं एंड
और भी काफ़ी सारी बाइक्स हैं एन एस 200 में होते हैं और एन एस 400 भी यही दिए गए हैं, शेप के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ सर। लेकिन ये जो है भाई क्रैंक वन, ये ब्रांड, ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है और सिंटर्ड पैड है फुली। अब हम इसको इंस्टॉल, और हाँ सबसे पहली बात क्यों लाया हूँ मैं ये, देखो ऐसा है स्पॉन्सरशिप तो क्यों ही देगा कोई हमें, ये तो हमने खरीदे हैं अपनी जेब से 2200 रुपये के एंड टाइम से आ भी गए थे। सो अभी तक मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा एक्चुअली इंस्टॉल करने का, लेकिन आज आज मौका मिल गया है तो अभी हम इसको जाएंगे इंस्टॉल करेंगे और मैं फिर बताऊंगा ब्रेकिंग पावर कैसी है। अगर इसको लगा के भी ब्रेकिंग पावर नहीं पड़ी तो पैसा बर्बाद। सो गाइस ये है हमारे नॉर्मल असेंबली, ठीक है, दो पिस्टन वाली कैलिपर जो कि एक्जली माउंटेड है। रेडियली होती अगर ऐसे माउंटेड तो भी अलग बात होती थोड़ी सी, उसमें ब्रेकिंग इम्प्रूव हो जाती है। और ये हमारे पैड्स, तो चलो इसको जल्दी से खोल लेते हैं और इसको डालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस देती है अपनी एनएस। पैड्स है भाई इसमें अभी, ठीक है, गाड़ी सर्विस भी नहीं हुई है बाइक की अभी। सोने के पैड नहीं, तांबे के पैड, तांबे के पैड। लोग सपाट में सिर्फ देख के बता सकते हैं और आप भी देख के बता सकते हैं, सेंटर्ड है अच्छा खासा, मेटल साफ साफ दिखाई देता है। और यहीं आप इनको देखेंगे तो ये जेनरिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक पैड्स हैं और ये अपने सेंटर्ड पैड्स हैं। शेप में एक बार मैच करवा देता हूँ, देखो बिल्कुल एक्यूरेट शेप है यहाँ पे, कहीं से भी मैच कर लो। और थिकनेस का फ़र्क देख लो, ये इतने थिक है ऑलरेडी 5 किलोमीटर चल चुके हैं और ये नए हैं अभी निकाले मैंने और इनकी कम है, लेकिन लाइफ इनकी तब भी ज़्यादा रहेगी क्योंकि यही तो बात रहती है सिंटर्ड में, कहीं तो आ जाती है क्वालिटी और कहीं बढ़ जाते हैं पैसे। सो गाइस सारी फिटिंग वगैरह हो गई, नॉर्मल सी चीज़ थी जो कि दिखा दी आपको सामने सामने एंड ब्रेक पैड्स लग चुके हैं। अब हमें बस इसको टेस्ट करना है और देखना है कि क्या ही गुल खिलाएंगे या नहीं खिला पाएंगे, काश खिला ही दें, ठीक है। तो लेट्स ट्राई, एकदम से तो बाइट नहीं आएगी मुझे पता है, लेकिन फिर आ जाएगी। ओह माय गॉड, ये तो एकदम से ही आ गई, ज़्यादा जहर चीज़ लगा दी क्या। सो गाइस देखो ये वाले जो पैड होते हैं ना, काफ़ी सारी बाइक्स में भी लग जाएंगे और ओके कुछ तो अच्छा लग पा रहा है और अभी तो लगाए ही हैं। ओ माय गॉड, ओ यस भाई ऐसी ग्रिप, थोड़ा सा और आगे चलते हैं पहले तब पता चलेगा। देखो ऑफ रोड मोड में जैसे मैं इसको चलाता था ना, और स्टॉपी मतलब स्टॉपी की बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें बाइक्स का मैं पता लगा पाऊँगा, तो इसमें बिना ए बी ए क्या कर रहे हो भैया, सॉरी बिना एबीएस बंद करे इसमें ऑफ रोड मोड में पिछले टायर का एबीएस बंद हो जाता है, और एबीएस जब पिछले टायर का बंद हो जाता है उसमें भी ये स्टॉप पे ढंग से नहीं कर पाती, लो स्पीड करने के बाद कर देती थी। तो अभी मेरे को वही चेक करना है कि कर देगी या नहीं कर पाएगी। वैसे तो एंटी लिफ्ट वाला अगर सिस्टम रहेगा तो तब भी एबीएस ट्रिगर करेगा, लेकिन अगर सिर्फ स्क्वीज़ करने की बात थी, ब्रेक को कितनी स्क्वीज़ किया जा रहा है उस पर एबीएस आ रहा है तो ये लिफ्ट कर जाएगी। तो अभी बस वही चेक करना है हमें, अच्छी बाइट होगी तो उठ जानी चाहिए, वरना अगर नहीं हो पाता है तो स्टॉपीज के लिए हमें एबीएस हटाना ही पड़ेगा, सेंसर हटा के तब करनी पड़ेगी या कल स्विच ऑफ करके कर लो, तब भी ये कभी कभी गड़बड़ करती है, वैसे तो सेंसर ही हटा के करनी पड़ेगी। तो अभी तो हम बात करना चाहेंगे ब्रेकिंग की, जहर सी लग रही है मुझे और अभी मैंने लगाया लगाया भाई, कम से कम 2-3 किलोमीटर चलाऊंगा, ब्रेक अप्लाई होंगे तब जाके तो बढ़िया आउटपुट आना चाहिए, और ये अभी से आ रहा है। और हाँ सिंटर्ड हैं तो थोड़ी सी आवाज़ भी कर सकते हैं, जैसे KTM के पैड सक 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 आवाज़ करते रहते हैं ना, उस तरह की आवाज़ भी कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ना करें। ओह फक भाई बाइट काफ़ी ज़्यादा है, बट एक चीज़ मैं जो मेंशन ही नहीं करी अभी तक, टायर की ग्रिप भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर ब्रेक्स अच्छे हो गए और बाइट बढ़िया दे रहे हैं तो एकदम से रोकने की कोशिश करेगी, और वहीं टायर में फ्रिक्शन रोड से नहीं बनेगा, स्किड होने की कोशिश करेगा तो एबीएस ट्रिगर करेगा ही करेगा, तो टायर का भी काफ़ी मैटर है। बट हम अभी सिर्फ ब्रेक्स पर इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, लगता है हल्का हाथ रखना पड़ेगा।
देखो सही बताऊँ तो ABS ट्रिगर हो जा रहा है जल्दी और ज़्यादा, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या क्यों लग रहा है ऐसा? ज़्यादा ग्रिप आ रही है तो जल्दी आएगा टायर कमी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये वाले जो पैड है उनसे ज़्यादा वो वाली आवाज़ कर रहे हैं, जो ब्रेक अप्लाई करने पे एक आवाज़ आती है ना, वो वाली ज़्यादा आ रही है इसमें। भैया बाइट तो है यार, तगड़ी है ये देखो, लेकिन वही ABS ट्रिगर जो कर रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। या मैं बार बार टैप कर रहा हूँ चेक करने के चक्कर में लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे कर रहा हूँ पर ऐसे नहीं करना होता। अच्छा वो भी तो नहीं बंद कर रखा मैंने, मैं कह रहा भाग से नहीं रही, ट्रैक्शन बंद नहीं है अभी। देखो ट्रैक्शन बंद करने के लिए हमें ऑफ पे थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना पड़ता है और फिर हो जाता है, थोड़ा छोटा तो बंद हो गया। ओके ट्रैक्शन डीएक्टिवेटेड। अभी मैं ये भी दिखाता हूँ कि इसके टायर्स में कमी कहाँ है। देखो ये वॉबल जो करती है ना वो दिखाऊंगा। बाइट तो देखो बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया। अगर एक उंगली से मैं यूज़ करूँ तो मस्त रुक रही है, वरना एक उंगली में इसमें काम चल नहीं रहा था। अभी देखेगा तुम्हें लीन वाले दिक्कत इसमें। ये देखो ये हिलनी शुरू हो गई, ये भाई हिल रही है ठीक है। ज़रा सा भी बाउंस आता है ना तो लहर सी मारती है लीन मारने पर, जिसकी हमें आदत नहीं है। हमें चाहिए भाई एकदम सेक्सी लीन होती हुई चली जाए। तो ये थोड़ा सा मामला है जो टायर से बदल जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करके चल रहे हैं। नहीं लिफ्ट हो पाएगी ये इसमें भी, अभी ऑफ रोड में ही लगा रखी मैंने तब भी ये वो कर गया ABS ट्रिगर। सीधी सी बात है सिंटर, ओह काफ़ी सही सिंटर्ड पैड मारे, इसमें फ़र्क तो है ही। देखो ब्रेक अभी भी थोड़े से स्क्वीज टाइप चल रहे हैं, लेकिन जो ग्रिप दे रहे हैं, क्योंकि देखो वो चीज़ें तो लाइन की और कैलिपर की हो गई जो स्क्वीज टाइप हो रहा है, बट स्टिल जो ग्रिपिंग है अब एकदम से मिल जा रही है, वो उसमें नहीं थी। और यहीं अगर फोर सस्पेंशन कैलिपर इसमें होता ना तो काफ़ी अच्छा चल पाता। ट्राई करें हल्का सा, थोड़ा सा पुश करके हल्की स्पीड में। उठ गई यार, आराम से उठ गई, मतलब प्रैक्टिस करूँगा तो मैं इस पर स्टॉप ही कर पाऊँगा। तो देख सकते हैं आप कितने प्यार से हमने उठा दिया इसको, पहले नहीं उठ पाती थी। सी दोबारे हो गया नहीं। ओके सो इसमें हमें अभी एक और चीज़ इम्प्रूवमेंट मिल रही है। देखो अभी जैसे मैंने लिफ्ट की तो उनमें क्या हो रहा था, लिफ्ट करने पे जरा सा छूट रही थी, फिर दबा रहा था तो वो ना बाउंस ले रही थी स्टॉप पे, मतलब ऐसे उठी और यूँ। और इसमें वो चीज़ कंट्रोल्ड आ रही है, तो ABS बंद करने के बाद जब हम स्टॉप भी करेंगे तो फुल कंट्रोल मिल पाएगा इसमें ग्रेजुअली ऐसे जाने का, यू नो। सो अभी हमें देखना है, देखो सामने बन गया रियल, ये तुम्हारा भाई ये वो हाथ उठा उठा के बन रही है, और हम यहाँ व्लॉगिंग ही कर रहे हैं, हम कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं। ओफो घुस गया आँख में भयंकर। ओके व्हीली हम इस पर अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं आती ढंग से, हैंड ब्रेक की आदत है, इतनी हो पा रही है क्योंकि ब्रेकिंग नहीं ले पा रहा मैं। देखें एक और बार स्टॉप पे, हाँ ABS ट्रिगर हो जा रहा है जैसे टेढ़ी भी हुई तो, बट स्टिल ब्रेकिंग में डिफरेंस है। सो देखो ये जो चीज़ है ना यार ब्रेक का, ब्रेक काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है जब हम बाइक भगाते हैं स्पेशली। अगर धीरे चलाने वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक चलाते रहो, 300-400 रुपये के पैड आ जाएंगे, सर उसमें डलवा देना, और काफ़ी मोटे पैड हैं, लंबा चलेंगे। लेकिन वहीं देखो हम चलाते हैं भैया थोड़ा सा तेज, और तेज़ चलाने वाले को तेज़ रोकनी भी पड़ती है, कटवट मारते हैं, लीन मारते हैं, कहीं भी सामने से अचानक कोई आ जाता है। वैसे भी रोड पे हमारे यहाँ गड्ढे ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, पागल जो कहीं भी कूद जाते हैं डिवाइडर के आगे से, तो हमें तो एकदम से रोकने की आदत है, इसलिए रोकने के लिए ब्रेक्स भी चाहिए ये ऐसे वाले, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये किया है अपग्रेड। देखो कोई भी कर सकता है जिनके पास NS, मैं तो यही कहूँगा कि कर लो, ज़रूरी नहीं क्रैंक वन के सिंटर डालो तुम, और कोई सिंटर डालो अगर तुम्हें मिल पा रहे हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ ये कहना चाहूँगा बस कि हाँ कर लो अपग्रेड पैड्स का, क्योंकि यार डिफरेंस है काफ़ी ब्रेकिंग में, और ब्रेक होंगे तो बाइक रुकेगी तो बचोगे, वरना क्रैशेज इतने हो रहे हैं इस बाइक के। और बात वहीं आ जाती है कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, और फिर लोग कहते हैं कि बाइक बेकार है। देखो सस्ती में कुछ ना कुछ तो तुम्हें डालना पड़ेगा ना आउटपुट के लिए, अगर अच्छी आउटपुट चाहिए, बाकी नॉर्मल चलाने तो कोई इशू नहीं है। सो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आई हो
ये पैड्स का अपग्रेड पसंद आया हो तो लाइक कर दें। और अगर हाँ किसी को ख़रीदना है, मेरा कोई स्पॉन्सर कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अगर ख़रीदना है क्रैंक वन का ही, तो जाके आराम से साइट से मंगा सकते हो। जेन्युइन सर्विस है, दिल्ली में ही है और आराम से तुम्हें डिलीवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सो वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। काफ़ी चीज़ें आने वाली है इस बाइक के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें। और अगर रील्स भी देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, 90s डीमन नाम से ही आपको मिल जाएगा पेज। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।